नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। ग्यारसपुर, यह नियम आमतौर पर चलन में आ गया है कि पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध है, परंतु यह केवल हाथी के दांत की तरह दिखाने के अलग और खाने के अलग की तरह है। आज भी धड़ल्ले से बेखौफ होकर ग्राम पंचायतों में सभी निर्माण कार्य ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्टर की तरह कमीशन बेस पर दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत इंद्रवास के ग्राम केवटा में कांग्रेस की गाय को संरक्षण देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना गौशाला निर्माण में 38 लाख रुपए से निर्मित होने वाले गौशाला निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में रेत गिट्टी के साथ नीचे के बेस में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस घटिया सामग्री के उपयोग से कैसे मजबूत होगा काम, यह जांच की बात है, क्योंकि ठेकेदार की सीधी जवाबदेही नहीं बनती और सरपंच का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सचिव अपनी जुगाड़ से बच ही जाएगा, मास्टर किन्हीं अन्य मजदूरों के भरे जा रहे हैं और मजदूरी कोई और अन्य व्यक्ति कर रहा है। एक समय था जब गाय को माता का दर्जा दिया जाता था, फिर गाय को राजनीति में बांधकर खूब दुहने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया गया और पिछली सरकार ने गाय को उसके वास्तविक हक गौमाता की तरह, आवारा मवेशी की तरह सड़कों पर दुर्घटना की शिकार होने से बचाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण की शुरुआत करी थी। जब तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे तब तक काम अव्वल दर्जे का रहा, परंतु सरकार बदलते ही गौमाता और उसके लिए बनाई जा रही गौशाला दोनों कमाई का जरिया बनकर रह गए। इस घटिया सामग्री के उपयोग की जानकारी पत्रकारों द्वारा एसडीएम ब्रजेंद्र कुमार रावत के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने बताया कि पूरे निर्माण कार्य की 3 सदस्यीय टीम बनाकर जाँच कराई जाएगी, इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्राम पंचायत इंद्रवास के सरपंच आबिद खान ने बताया कि ठेकेदार ही निर्माण एजेंसी है, वहीं गौशाला का कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रशासन के नियमानुसार ग्राम पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से बंद है। सामग्री का इस्तेमाल किया था तो उसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप लोगों ने मुझे संज्ञान में लाया है कि क्वेटा में जो गौशाला निर्माण हो रही है वो घटिया किस्म की हो रही है, साथ में वहाँ पर जो बताया आपने कि मजदूर भी बाहर गए, तो आपके द्वारा जो संज्ञान में मुझे लाया गया उस संबंध में हम जनपद के सीओ और उपेंद्र जी को तत्काल एक 3 सदस्य की कमेटी बना के जाँच करा दी है। जांच के बाद जो परिणाम आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें सर काफी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ये जांच रिपोर्ट आने पे ही स्पष्ट हो पाएगा। ये इंजीनियर ने मतलब मना भी कर दिया था कि आपने सामग्री मतलब इसके बाद में ठेकेदार ने सामग्री का उपयोग किया, मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये सर ठेकेदारी प्रथा का क्या होगा? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा बताया गया कि ठेकेदारी है, जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम आपकी बात पर सत्यता पर विचार नहीं कर पाएंगे। मंत्री साहब, कौन ठेकेदार कौन है? मैं आधे से काम कर रहा हूँ। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया? एग्रीमेंट नहीं तो करवा रहे हैं। नहीं तो निर्माण एजेंसी कौन है? अरे अपन ही करवा रहे हैं काम, तो तुम करवा रहे, निर्माण एजेंसी कौन है? आदेश कर रहे हो काम? अच्छा, निर्माण एजेंसी आदेश भाई है? आदेश करवा रहा है। लेबर कहाँ की? लेबर कहाँ की है? लेबर छोटे की लगी है? हैं? छोटे की? ऑन द स्पॉट है सरपंच साहब, झूठ बोलो नहीं, छोटे की भी है कुछ नहीं है। अब इतने लेबर कौन काम कर रही है जा बताओ हमें तो। अब मैं सुबह निकल आया था नहीं, नहीं वो तो ठीक है, अब मैं ऑन द स्पॉट करूँ पूरी लेबर ऑल इंडिया की है, यही का नहीं है तो आ गई हुई है वो लाइन आगे संज्ञा गई। नहीं नहीं वो अरे अरे मैंने एक गांव वाले की एक बाइट लई है, वो कह रहा है केवटा के कोई काम नहीं कर रहे। नहीं साहब केवटा के काम कर रहे हैं। अरे केवटा को कोई आदमी नहीं है, वो एक आओ तो एक आदमी पास हमने केवटा को पास से जानकारी ली थी, वो कह रहा है कोई नहीं सब वाली जाके है लेबर। नहीं तो आज आई हुई तो केवटा के पूरे काम करो, केवटा के भेजा रहा हूँ केवटा के जो काम कर देते। मास्टर कौन के लग रहे हैं? मास्टर कौन के डल रहे हैं? मास्टर अरे नहीं से एक दो आदमी आ गए वहाँ से, तो ठेके का नियम है अगर अपन ठेके से काम करा सकते हैं का? सर अपन ठेका पे काम करा सकते हैं का? नहीं तो अपन अपने हिसाब से चला रहे वो है, अपने हिसाब वाली बात दूसरी हो जाता है सरपंच साहब। ठेका से और इधर पूरे जूते पिला रहे हैं आपके, पूरे सूखे पड़े हैं, गिट्टी निकल रही ऊपर से।
तराई नहीं भाई एक भी पिलर पर, और टोटल रहता है ही ना पूरी मट्टी मट्टी समझ लो, मट्टी डल रही है, रहता है ही नहीं है वहाँ में। चलो देख लेंगे अपन आके देख लेंगे। नहीं हमें तो खबर लगाना है, आप तो कितने भाई आ रहा है बता दो आप हमें। हमें यहाँ भाई आप आ रहा हो भेज रहा हो तो कोई भेजो ना, हमें SDM साहब फोन लगा दे रहे हैं। सर मंत्री साहब फोन लगा रहा मैं, और तुम लगा लो भाई इंदरवाल जाएंगे। हाँ बात भाई तुम मेरी हाउ बात कर लो, चल लो बात कर लो। अच्छा भाई जब से हेलो। हाँ भाई सर नमस्कार। नमस्कार महाराज सिंह सूर्यवंशी बोल रहा हूँ जी बोले। अरे जो का करवा रहा यार तुम्हारी, जो गौशाला बनवा रहा है कि तुमका बनवा रहा है? गौशाला ऐसी कैसी गौशाला बन रही है कि आदमी मुड़े मारेंगे ढोर से सब उखड़ के फेंक दिए पिलर में? अरे रेता देख लो तुम्हारी, गिट्टी देख लो, हमने सब तो देख लिया यार तुम्हारा पूरा सामान। अब जिस चट्टान भले बनवा रहे ठीक है तुम करवा रहे हो, अब जाको एस्टिमेट कहाँ जाओ नीचे की बेस को, जब बामे तुमने कछु डालो ही नहीं है तो ड्रिल मशीन से छेदा कर, नीचे ड्रिल मशीन से छेदा करके सरिया फंसा दो। और बामे आप बामे गड्ढे गड्ढे भी करवाए थे। हाँ तो गड्ढा ज्यादा चट्टान है, ज्यादा चट्टान है नहीं हो पाए वहाँ। अब वो तो चट्टानों में कहाँ से गड्ढा होंगे, अब जाको वही तो मैं कह रहा हूँ। उपयंत्री कौन है तुम्हारा? ठाकुर जांगी जी। जांगी जी है? जांगी जी का नाम है दिनेश जांगी। चलो ठीक है तुम कहाँ हो आ जाओ पहले तो, जहाँ आओ तुमसे बात करना है तो टाइम लग जाओ भाई, अब थोड़े मोटा उठाने यार नंजरे में आ गई। कहाँ पे आ जाऊँ मैं अभी? अच्छा बात आ पर चलो ठीक है तो आ जाओ फिर, बासद आ जाओ तो फिर बात कर लेंगे। ठीक हाँ भैया बोलो। हाँ रोजगार साहब जी बोलो। अरे हम जा कह रहे थे जहाँ जो काम चल रहा है आपको जो क्योटा पे, तो लेबर कहाँ की काम कर रही है? कच्ची तो वहीं की है, गांव की कच्ची वहाँ की आई हुई है वाली जा की, अब कटाई मटाई चल रही है। नहीं तो जहाँ तो हमने पूछी है टोटल लेबर वाली जा की है। नहीं नहीं वहीं की लेबर ने काम भी कर रहा, पत्थर वत्थर खोले हैं तो जो गड्ढा खोदे हैं वे गड्ढा कैसे खोदे हैं? कैसे? हाँ भाई मतलब जो अपने बीम के गड्ढा खोदते हैं वे कैसे खोदिए? हाथी पाए है? हाथी पाए? हाथी पाए सब हाथी पाए हैं सब रे, बाउंड्री छोड़ के टोटल हाथी पाए। तो हाथी पाए तो एक भी नहीं दिख रहा है, हाथी पाए तो ऊपर दिख रहा है अकेले। नहीं हाथी पाए मैं फोटो बता दे मंत्री साहब भी निकल गया यहाँ से, वो भी आ रहा हूँ टोटल हाथी पाए। तो हमें कौन आ रहा हुआ? तो सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब है नहीं आदेश ही पहुंच रहा हूँ। नहीं तो हमें ठेकेदार से थोड़ी मतलब, निर्माण एजेंसी कौन होता है? पंचायत। बस तो पंचायत से मतलब, और आपका मनरेगा का पैसा आप डाल दो तो इसलिए हमने आप ही फोन लगा हुआ है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? हमें ठेकेदार से का लेना देना? नहीं नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देंगे, मेरे पास ही फोटो है। नहीं तो अच्छा रेता कौन सी लग रही है? और बजरी नहीं लग रही? कुछ बजरी भी लग रही है। तो बजरी की अब इंजीनियर साहब ने टेस्टिंग रिपोर्ट ले ली गई जहाँ से काम वाला मेरी तो नहीं कन्फर्म, लेकिन वो बजरी है ना जो खाली चुनाई में ही लग रही है। नहीं तो जो अब जो बीम भराने में बामे भी तो लगी है ना। बीम कब भरा गो? एक बीम डलवे ना जो का राउंड बीम, राउंड बीम जो राउंड बीम डलवे ना जो एक ऊपर से रद्द लग के बीम तो नहीं भराने में मना कर गए थे बीम मत डालना अभी, तो ऊपर ही डलवा करंट में ही अभी हाल ही कोई है वो। अच्छा आज ही डाल दो? हाँ और पूरी मना जरूर उन्होंने कर रखा था, पूरी मट्टी मट्टी है उन्होंने मना कर रखा था कि भैया बीम मत डालना अभी कहां तक मैं ना कहूँ। ठेकेदार साहब आ रहे हैं? सब लोग पहुंच रहे हैं। तो आप पंचायत निर्माण एजेंसी को तो ठेका कब से? अरे इंजीनियर आज मिस्त्री तो आए वो नहीं आए वो? नहीं नहीं तो सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। नहीं तो मिस्त्री कौन है वो? मिस्त्री आदेश है हमारा। अच्छा और क्या देख कर रहा है काम? अरे आदेश करवा रहा है काम। अच्छा और क्या? चलो ठीक है तो आप जहाँ जाते तनक बाइड ले लेते आपकी? अरे बिल्कुल संगे जाते कहने की आ जाओ आ जाओ आते हैं। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से ऋतिक पंथी के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।